I'm sorry, bro. I'm sorry. इतना भाग कर आने की क्या जरूरत थी बेटा? वो ठोकर लग गई थी। हाँ ठीक है, अंदर। पिछले साल इस महीने यहाँ से गए थे और पूरे एक साल बाद वापस आए। पढ़ाई कर रहा हूँ ना लज्जो, इसलिए बार बार आना बहुत मुश्किल होता है। कब पूरी होगी तुम्हारी पढ़ाई? पता नहीं। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो 10 साल और लगेंगे। सही कहा ना लज्जो, तुम यहाँ से जाओ। बंधु, ईश्वर ने तुम्हें इतनी अच्छी बॉडी दी है किसी को घूरने के लिए नहीं बल्कि लोगों की मदद करने के लिए। मैंने क्या किया? सुन लो जमाल, पापा को बिना बताए कितनी बार मैंने तुम्हारी मदद की याद है तुम्हें? और तुम्हें याद है वो बात, करोड़पति मूसा हाजी की इकलौती बेटी के प्यार में किस कदर पागल थे तुम? उस समय चंद्रगिरी के माधव का ये बेटा बहुत ही बेवकूफ था जो तुम्हारी मदद की और उस लड़के को उठाकर तुम्हारे सामने लापटका, क्योंकि वो लड़का तुम जैसे लोगों की तरह छोटे दिल वाला नहीं था और साथ ही वो लड़का बहुत भोला भी था जिसे तुम लोगों ने बेवकूफ बनाया। लेकिन बंधु, एक दिन आएगा जब मैं एक एक चीज का हिसाब चुन चुन कर लूंगा। समझ गए तुम? पापा ने तुम्हें तैयार होने को कहा है, मंदिर जाना है। होता हूँ। रघु देख लेना, इस बार त्योहार में हमारे ही फटाकों की धूम होगी, सब लोग याद रखेंगे। चंद्रगिरी में जितने भी बुढ़े खुसट होंगे ना, धमाकों की आवाज सुन करके सब अपने दिन गिनने लगेंगे। मुकुंद बेटा, यही मौका है पुरानी दुश्मनी भूलने का। क्यों भूले पंडित, हम दोनों के सारे धंधे बंद करवा दिए उसने और अभी भी हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है। देखना, ये मौका मैं किसी हालत में नहीं छोड़ूंगा, उसकी तो मैं बैंड बजा दूंगा। बहुत जल्दी उसके फोटो पे माला चढ़वा दूंगा। ईश्वर, देख लेना रघु, इस बार जब ये त्योहार आएगा तो कितने लोगों को ऊपर पहुंचा देगा। ऐसी प्लानिंग की है मैंने कि माधव का परिवार हमेशा मेरे नाम पे रोता रहेगा। इस बार तो माधव की हार एकदम पक्की है। क्या है, अंदर कहाँ जा रही हो? Where is अज्जू? कौन? अज्जू को नहीं जानती? अज्जू? अजय? अजय माधव? हाँ, अजय तो यहीं पर रहता है, पर आप कौन? पहले मैंने जो पूछा है उसका जवाब दो, दूसरे सवाल मत पूछो। यही मैं भी आपसे कहना चाहती हूँ। तुम काम वाली हो? काम वाली हूँ मैं? देखो, काम वाली को सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। पौधों को पानी डालना, सारे बर्तन धोना, कपड़े अच्छे से धोना, घर को साफ रखना और इसके बाद खाना बनाना, यही तो कामवाली का काम है। मेहमानों की पूछताछ करना उसका काम नहीं है। डू आई मेक माई सेल्फ क्लियर टू यू? अंकल, गुड मॉर्निंग। अंकल, गुड मॉर्निंग। अज्जू कहाँ है? अंदर है। बाय। अच्छा तो साहब यहाँ आराम फरमा रहे हैं, अभी दिखाती हूँ। Thank you.
क्या है? कुछ नहीं। क्या देख रहे हो? वो हाँ बोलो। What a place, man. कौन है ये? अज्जू की बेंगलुरु की। बेंगलुरु की? बेंगलुरु की उसकी दोस्त है। अच्छी दोस्त। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग। रास्ते में तकलीफ तो नहीं हुई? कोई तकलीफ नहीं हुई आका। नहीं अंकल। यहाँ खड़े खड़े देख क्या रहे हो? इन सबको अंदर लेकर जाओ। त्योहार शुरू होने वाले हैं, 3-4 दिन ये यहीं रहेंगे। तुम्हें बिना बताए इन्हें यहाँ बुला लिया, कोई दिक्कत तो नहीं? ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि हमें देखकर खुश हुआ, है ना अज्जू? तुम्हारे पापा को तुमसे ज्यादा तमीज है, उन्होंने हमारे लिए स्पेशल गाड़ी भी भेजी अपने खास आदमी के साथ। अज्जू इन लोगों को कहाँ ठहरा? नीचे वाले गेस्ट रूम में। अज्जू की बेंगलुरु की, बेंगलुरु की उसकी दोस्त है। किसी की नजर ना लगे चश्मे। हाँ? ये क्या भाई? जस्ट फॉर अ चेंज। ये बताओ कैसी लगी तुम्हें लज्जो? मुझे कहो कमाल की सुगंधी है, अज्जू लज्जो स्वीट ने। क्यों भाई लज्जो के लिए घोड़ी चढ़ने वाले हो? अरे ऐसा कुछ नहीं यार। तो तुम उससे शादी करोगे? अरे वो बात दरअसल ये है कि वो मेरे पापा के दोस्त की बेटी है। एक एक्सीडेंट में उसके मम्मी पापा गुजर गए थे, तब से वो यहीं पर है। वो मेरे साथ ही पली बड़ी है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं जो तुम लोग सोच रहे हो। सब लोग नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आ रहा हूँ। सब तैयार हो जाओ, आज हमारे ग्राम देवता को आभूषणों से सजाने वाले हैं। बहुत ही देखने लायक नजारा होगा। शुड बी इंटरेस्टिंग। ज्यादा मत सोचो, अज्जू के लिए उसके मन में जरूर कुछ खास जगह है, शायद वो प्यार भी हो सकता है। यू बेटर बी केयरफुल। अरे वाह बेटा, ले 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 इधर आओ, हाथ लगाओ। हाँ दे दे, आ जाओ। वो लड़की कहाँ है? लज्जो चलो इधर आओ। अब इन जेवरों से देवता को सजाया जाएगा। माधव भैया, माधव भैया, माधव भैया, मुझे बहुत नहीं जीना है, मुझे मरने की आज्ञा दीजिए। कादर पहले बताओ हुआ क्या है? आप तो जानते हैं मेरी बेटी की शादी है, जो थोड़ी बहुत जमीन थी मेरे पास वो सारी मैंने बैंक में गिरवी रख दी थी। उस जमीन को बेचकर कादर भाई अपनी बेटी की शादी करने वाले थे। तो समस्या क्या है? जब मैं जमीन के कागज लैंड ऑफिसर के पास लेके गया तो उस ऑफिसर ने मुझसे कहा कि ये जमीन सरकार की है। सुना है वहाँ कोई प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है। कैसा प्रोजेक्ट? ये तो पता नहीं, लेकिन सिर्फ इनकी जमीन नहीं, आसपास की सारी जमीन सरकार लेने वाली है। उस जमीन को बेचे बिना मैं बेटी की शादी नहीं कर पाऊंगा, इससे तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। घबराने की जरूरत नहीं है कादर, जमीन की वजह से तुम्हारी बेटी की शादी कभी नहीं रुकने वाली। मुझे ये भी जानना है कि मेरी जानकारी के बिना कौन सा प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है। जमाल हाँ गाड़ी निकालो। लगता है तुम्हारे पापा की यहाँ बहुत चलती है। मतलब कि तुम्हारे पापा यहाँ पर पैरेलल सरकार चला रहे हैं? नहीं, वो सरकार का ही काम कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट के बारे में केंद्र सरकार भी पूरी तरह से नहीं जानती है, क्योंकि इन सब में जिसका हाथ है वो है अपने रेवेन्यू मिनिस्टर जगदीश जी।
तो लगा था कि यहाँ लोगों की जमीन को लेकर उनके साथ बहस चल रही होगी, लेकिन यहाँ तो पार्टी चल रही है। किसे पूछकर तुम यहाँ अंदर घुसे चले आए? तुमसे मिलने के लिए मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं। देखो माधव, तुम्हारी गुंडागिरी तुम्हारे घर पर ही चलती होगी। यहाँ मेरा राज है, यहाँ जो भी होगा मेरी मर्जी के हिसाब से ही होगा। अपनी बकवास बंद करो और यहाँ से बाहर निकल जाओ। तुम बेल्लारी, लगता है एहसान भूल गए हो। ए, चला चला, ए। जब दो बड़े लोग बात कर रहे हो तो बीच में नहीं बोलना चाहिए। और इन सबसे वैसे भी तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। अगर बीच में टांग अड़ाए ना तो तुम दोनों की लाशें बिछा दूंगा। कब्रिस्तान में एक नहीं दो जगह ढूंढनी होगी इसकी और तुम्हारी। अब मुझे इसकी जानकारी दो कि मुझे बताए बिना ये प्रोजेक्ट कैसे शुरू हुआ। और जहाँ तक इस जमीन की बात है, कोई भी किसान या मजदूर तुम्हें इस फालतू प्रोजेक्ट के लिए जमीन नहीं देगा। ये प्रोजेक्ट कोई फालतू प्रोजेक्ट नहीं है, ये उसी प्रोजेक्ट के मुख्य अधिकारी हैं। अरे तेल लेने गए तेरे ही अधिकारी, यहाँ ना कभी कोई प्रोजेक्ट हुआ है और ना होगा। अब जब तुम्हें करना है वो कर लो। तुम्हें जो करना है वो कर लो, सरकार हम है और फैसला हम ही करेंगे। देखो, इस तरह के प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए ही जनता ने हमें चुनाव में जिताया है, हम उसे जरूर पूरा करेंगे। और अगर तुम बीच में आने की कोशिश करोगे तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। देख लूंगा, लेकिन तुम्हें ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं करने दूंगा जिसमें तुम इन लफंगों को शामिल करोगे। तुम्हारी किसी भी मनमानी को मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगा। माधव जो सोचता है वो बोलता है, और जो बोलता है वो करता है। चलो देखो, तुम दोनों के भरोसे ही मैंने इतना बड़ा कदम उठाया। वो बीच में आया तो तुम दोनों उससे निपट लोगे ना? आप डरिए मत, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अभी वो जितना उड़ रहा है उड़ने दीजिए, उसके पर काट देंगे। ठीक है, हम दोनों सब संभाल लेंगे, आप चिंता मत कीजिए। आपको मंदिर से ले जा रहा हूँ, जानता हूँ गलत कर रहा हूँ, जोर से पकड़े रहिएगा। रुको, कहाँ जा रही हो? कहाँ रह गया? अरे ये लो, वो देखो आ गया। आइए, यही मेरे दोस्त हैं। कमेटी की निर्देशशाला से मुझे उठा कर लिया है, मुझे वापस भी जाना है। अभी छोड़ देंगे, सिर्फ दो मिनट। जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो इस डांस के बारे में मैं भी जानती थी। इतना ही नहीं, स्कूल प्रोग्राम में ये डांस भी किया था, लेकिन अब भूल गई। क्या आप मुझे सिखा देंगे? उसके लिए तो आपको मंदिर में आना होगा। अरे नहीं नहीं, मंदिर में नहीं। नाचते हैं ना? कुछ भी बोलता है। ऐसा कुछ नहीं, मुझे पटाखों से डर लगता है। एक बार करके दिखाइए ना। चलो वाह। अजू आ गया। अच्छा सुनो, क्या वाला जी? देखो उधर, देखो देखो वहाँ देखो। वाह वाह, क्या अरे वाह, शाबाश। मंदिर में नृत्य प्रदर्शन करने वाले को यहाँ बुलाकर उससे नृत्य करवा रहे हैं, कितने बेशर्म है ना ये लोग। जरा बाहर जाकर ये तमाशा बंद करो। लगता है ये सब उस लड़की के कहने पर हो रहा है। सबक तो उसे सिखाऊंगी, डांसर को कुछ मत कहना। अच्छा डांस कर रहा है। सच में ये बहुत ही बढ़िया डांस कर रहा है ना? हाँ, तुम जाओ ना, चक्र ने डांटो ना, जाओ जाओ। डांटो डांटो, ताल तो सही दो मेरे भाई। हाय लज्जू, क्या बात? अरे तुम यहाँ पर क्यों छुपी हो? आओ ना। कितना अच्छा ड्रेस है ना इनका, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। चाको महाराज, आप गलत कर रहे हैं। बस कीजिए, अब और नाच देखना है तो वहाँ मंदिर में आ जाइए। अरे महाराज, अरे एक दो स्टेप और करके दिखाइए ना प्लीज। लज्जो, तुम इतना दुखी क्यों हो गई? अरे कुछ नहीं, मैं मजाक कर रहा था भाई। अपना मजाक अपने पास रखो, झूठे कहीं के। देखो ये हमारे सारे मेहमान कल यहाँ से लौट जाएंगे, पर तुम यहाँ रहोगी और तुम अज्जू की एसेट हो। उसका मतलब? मतलब ये कि तुम मेरी प्रॉपर्टी हो। सच्ची? सच्ची बच्ची। बेवकूफ लड़की। सही कहा। मैंने तुम्हें बेवकूफ लड़की बोला।